Welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the topic. तो आज का टॉपिक है हॉर्टिकल्चर. आपके चैप्टर नंबर उसमें इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर. क्योंकि हॉर्टिकल्चर ही इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं उसके साथ एग्रीकल्चर को ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, वो कंबाइन नहीं कर रही हूँ. मैं उसको सेपरेट सेपरेट पढ़ाऊंगी. ठीक है, हॉर्टिकल्चर कंप्लीट होने के बाद कल मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगी. और लास्ट के दो या तीन पॉइंट ही बचे हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं आपके उस चैप्टर में. मैं आपको अभी जस्ट अभी बता देती हूँ, बात का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा. यस, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीनिंग, स्कोप, प्रिवलेंस, ये जितनी भी चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज के रिडिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, रेसिपिकलिटी, वो सब आपका कंप्लीट हो चुका है. एक हॉर्टिकल्चर करवा दूंगी आज मैं, देन एग्रीकल्चर बचेगा एंड ग्लोबलाइजेशन बचेगा. ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे दो तीन पॉइंट बचेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट हो जाएंगे. तो उस हिसाब से आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा. किसी को अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे अभी भी सारे चैप्टर्स क्लियर कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉपिक इज हॉर्टिकल्चर. एरिया क्या क्या है हॉर्टिकल्चर के, मैं आपको बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से चीजें बताऊंगी जो एक स्टार्ट पॉइंट होता है वहां से. एब्रोकल्चर क्या है, स्टडी ऑफ द सेलेक्शन, स्टडी ऑफ एंड द सेलेक्शन ऑफ प्लांटिंग, केयर एंड रिमूवल ऑफ ए इंडिविजुअल ट्री, हर्ब्स, वाइव्स एंड अदर प्राइमली वुडी प्लांट्स. ठीक. फॉलिकल्चर किसको इंक्लूड करते हैं, प्रोटेक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लोरल क्रॉप. लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर इंक्लूड द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द लैंडस्केप प्लांट. ऑलरिकल्चर प्रोडक्शन द प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल. ठीक है, वेजिटेबल का. फ्रूटिकल्चर इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट. इसमें खाली प्रोडक्शन और मार्केटिंग होती है किसकी, फ्रूट्स की. विटिकल्चर इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ ग्रेप्स. दिस इज द ओनली और द ग्रेप्स. ठीक है, तो ये कुछ एरिया है हॉर्टिकल्चर के. देन आएगा कि टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज इन द हॉर्टिकल्चर. टूल्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, हर डेवलपिंग कंट्री के अपने टूल्स हैं, वो सारे टूल्स मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, दिखा रही हूँ मैं आपको कि मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ. मैनुअली शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर है, फिर टूल्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री, गार्डन हॉर्स, गार्डनर, कल्टीवेटर्स, कैकेट, सॉरी. ठीक है, बस ये यहाँ पे आके आपका खत्म हो जाएगा. तो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है और ये टॉपिक आज ही मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको आप करके पढ़ाती हूँ कल के ऊपर छोड़ूंगी तो देन कल के लिए भी और भी टॉपिक. ठीक है, द कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंड अपॉन द ह्यूमन लेबर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन लेबर के ऊपर डिपेंड करता है फर्स्ट थिंग तो. ठीक है, सिंस कॉमर्शियल कल्टीवेशन इज ओनली द ऑन ए लिमिटेड स्केल. जिस आजकल जो है आजकल जो चीजें होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो एक मतलब आपको मैं बोलूं तो एक लिमिटेड स्केल पे काम किया जाता है. और हॉर्टिकल्चर का कभी स्टूडेंट का कोई कमेंट आ सकता है, मैम हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है. हॉर्टिकल्चर का बेटा हिंदी का मीनिंग होता है बागवानी. सॉरी, हॉर्टिकल्चर का हिंदी मीनिंग है
बागवानी, ठीक है। एनिमल पावर टिटलर टेक्टोडॉन वुड मोल्ड ब्रॉड डिस्क प्लग हॉरो कल्टीवेटर रोटेटर आर द अवेलेबल टू यूज फॉर द लैंड प्रिपरेशन। ये सारी जितनी भी चीजें हैं आप लोगों ने गांव में देखा होगा, ट्रैक्टर टाइप्स के होते हैं, कुछ कल्टीवेटर होते हैं, कुछ रोटोवेटर्स होते हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है गांव में। किस लिए कि ये किस काम में आते हैं, लैंड प्रिपरेशन वर्क में आते हैं, ठीक है। हैंड टूल सच एज बडिंग एंड ग्राफ्टिंग नाइफ आर कैन बी यूज फॉर द प्लांट प्रोजेक्शन। ये सारी चीजें जो भी टूल्स मैंने आपको बताया ये सब किस में काम आता है, प्लांट प्रोजेक्शन में काम आता है। हार्वेस्टिंग इज ए मस्ट लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन ड्यू टू डिक्लेयर्ड नेचर ऑफ द फ्रूट। अब कुछ टूल्स है आपके डेवलपिंग कंट्री के, कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। और हर चीज आप आज के टाइम में चीजें डेवलप्ड होती जा रही हैं, तो अब हर चीज का एक अपना अलग पैटर्न स्टार्ट हो गया है। अब आप ये देखोगे कि अब तो फार्मर्स के भी अपने ऐसा नहीं है जैसे फार्मर्स पहले वर्क किया करते थे, ऐसे फार्मर्स अब वर्क करते हैं। अब तो फार्मर्स के काम करने का तरीका भी बहुत अलग हो चुका है। पहले लोगों को मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती अभी के फार्मर्स को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, नो डाउट वो अभी भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो बहुत पुराने टाइम्स के फार्मर्स थे उन्हें सब चीज अपने आप करनी पड़ती थी, बैलों के थ्रू खेत जोतना ये सब करना, वो सब उनको तब करना खुद पड़ता था। अब क्या है कि थोड़ा मशीनरी वर्क स्टार्ट हो गया तो लिटिल बिट उनको उन सब चीजों से रेस्ट मिल चुका है, ठीक है। अब आप वैसे बोलेंगे मैम हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, द आर्ट ऑफ ए प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टिवेशन एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। आप ये चीज बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या एक ब्रांच है प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग की, किससे, विद द गार्डन क्रॉप से, जनरली फ्रूट्स हुए वेजिटेबल्स हुए या जो भी प्लांट्स हुए उससे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फॉल बिटवीन द डोमेस्टिक गार्डन एंड फील्ड एग्रीकल्चर थ्रू ऑल फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन नेचुरली हैव ए क्लोज, ठीक है। के बाद अब आते हैं टूल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में, फर्स्ट टूल ट्रोल शोवल लॉन, ठीक है, एजर एंड हे शियर, ठीक है। ये कुछ टूल्स होते हैं। इसे बोरुल जैसे वो नहीं होता क्या बोलते हैं झाड़ू, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये किस काम में आता है, ये लीव्स को और जो जो भी एक्स्ट्रा ग्रासेस प्रेजेंट होते हैं उनके कलेक्ट करने में काम आता है। एंड इन गार्डनिंग फॉर लूजनिंग द सॉइल, गार्डनिंग और सॉइल को मतलब वो ढीला करने के काम आता है। लाइट वीडिंग एंड द लेवलिंग रिमूविंग द डेड ग्रास फ्रॉम द जो भी डेड ग्रास प्रेजेंट है लॉन के अंदर, जो भी उसके सरफेस पे डेड ग्रास प्रेजेंट है उसको रिमूव आउट करने के लिए आता है काम। And generally for the purposes performed in the agriculture, ठीक है? There are the two types of ये इसके भी अलग से दो type के tool हैं, मुझे पता है बेटा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, I am really very sorry उसके लिए। Hand ये हाथ के through और heavy duty और the soil rake ये इसके लिए है, और ये जब कोई मिट्टी विट्टी को आपको remove out करना होता है उसके लिए। ब्रेकिंग अप द अर्थ डिगिंग स्मॉल होल स्पेशली फॉर द प्लांटिंग एंड वीडिंग मिक्सिंग इन द फर्टिलाइजेशन। जब आप कोई भी फर्टिलाइजर ये वीडिंग वाला ये वीडिसाइड्स वगैरह जो होते हैं, हो सकता है आई थिंक आप लोगों ने वीडिसाइड्स तो बच्चे हैं 8th क्लास में हम पढ़ते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन में, ठीक है, तो वहां से भी आपको पता होगा। और अदर एडिटिव्स एंड द ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट टू द पॉट, ये चीजें तब काम आती है। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ये देखो चार तरह के फिगर्स है, तो मिट्टी को खोदने के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए, फर्टिलाइजर्स को मिक्स करने के लिए ये सारी चीजें जो है उसके काम आती हैं, ठीक है। सिमिलर टू द गार्डनिंग बट इट वाज ए स्पेशली डिजाइन्ड विद द डिंग इन दिस बैक कंट्री, इट आर यूज फॉर द बैकपैकर्स हिकर्स एंड सेम काइंड ऑफ द क्रैपर्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा,
इसकी फोटो देखें। ब्रेड यूज फॉर द लेबलिंग स्प्रेडिंग और शिपिंग द सबस्टांसेस जैसे सीमेंट वगैरह हो गया, प्लास्टर हो गया, ये सारी चीजें उसके लिए भी यूज की जा सकती हैं, एज वेल एज फॉर द ब्रेकिंग द ब्रिक्स टू शेप देम देन स्मूथिंग एंड ऑफ मोल्ड। ठीक है, ये देखो। अब वर पॉइंटिंग यूजली 4 इंच एंड 5 इंच स्टील आर यूज टू स्केच द बच्चे एक मिनट ना, ठीक है। ये चीज किस चीज के काम आता है, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिया। द कलर ऑफ द सॉइल इट मे बी क्लियर सो दैट कैन डिफरेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड प्रोसेस। ठीक है, ब्रिक और द पॉइंटिंग, ये बिल्कुल ब्रिक है और ये बिल्कुल पॉइंटिंग, पॉइंटेड जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल पतला एंड पॉइंटेड। ठीक है, मिक्सड एंड मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंटीग्रेंट इंटीग्रेटेड फ्रॉम द इक्वल सेट प्लास्टर। जब प्लास्टर किया जाता है तो मिक्स करने के लिए एक इक्वल प्रोपोर्शन को, ठीक है, जितने भी इंटीग्रेटेड उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब जितनी भी चीजें प्रेजेंट है। राउंडेड एंड यूज टू द अप्लाई द क्लोटिंग, जितने ये जो राउंडेड एंड है ये क्या, ये अप्लाई किस चीज के, ये कोट करने के, स्पेशली ऑन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का जो डेक होता है उसमें कोटिंग का वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। When the applying the cremic or the stone tile to the surface, ये उस चीज में वर्क आता है। The moving a bulk material such as जैसे कोई soil है, coal है, snow है, sand है, ore है, ठीक है, are the commonly used tools that are used extensively in the agriculture, construction and gardening. ये वो टूल है जो मोस्टली या तो एग्रीकल्चर में या फिर गार्डनिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन में वर्क किया जाता है। प्लीज स्टूडेंट्स आप ये सब चीजें याद रखना। टिपिकली हैज ए वाइड फ्लैट ब्लेड, एक टिपिकली क्या है, एक वाइड और फ्लैट ब्लेड है विद ए स्टीपली टर्न साइड, ए फ्लैट फेस एंड ए शॉर्ट डी शेप्ड हैंडल। फ्लैट शेप होगा और शॉर्ट डी शेप्ड हैंडल होगा उसमें, ठीक है। ओवर द ईयर वेरियस साइजेस आर डिफरेंट काइंड ऑफ, सालों के साल बदलते गए और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस आने लगे या डिफरेंट काइंड ऑफ द चीजें आने लगी जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं, आप देख सकते हैं। ब्लेड सेट एट द एंगल एंड द लार्ज जनरल कैटेगरी ऑफ दिस दैट इंक्लूड मेनी टाइप्स विद द जनरली स्क्वायर आउटलाइन रेदर देन बीइंग पॉइंटेड लाइक मेनी शेड्स आर बट देयर इज नो रीजन या ऑलवेज इनफरेंट डिस्टिंक्शन। स्क्वायर शेप में भी होता है, पॉइंटेड शेप में तो नहीं होते बट ये उसके देखिए स्क्वायर शेप में भी मिल जाएंगे आपको, लाइट पॉइंटेड शेप में भी, थोड़े लाइट पॉइंटेड शेप में मिल जाएंगे। बीचेस एंड सैंड बॉक्सेस और इन द यार्ड गार्डन्स एंड अदर फील्ड्स, ये सब यही देखो ये भी यूज होते हैं, ठीक है। देन टूपिनिंग ये आपने देखा होगा, जोक्स अपार्ट ये तो भाई बहुत चीजों में यूज होते हैं। ये प्रोसेस है, किसमें क्या प्रोसेस है, इसमें रिमूविंग करने होते हैं अनवांटेड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट, प्लांट और ट्री की जो अनवांटेड ब्रांचेस होती है उनको रिमूव करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एरिएशन लाइटिंग एंड फ्रेमवर्क विच हेल्प टू ऑब्टेनिंग हायर यील्ड। किससे उसको रिमूव करते हैं, अनवांटेड ब्रांचेस को या अनवांटेड एरियाज को, जिससे क्या प्रोवाइड हो सके, एरिएशन प्रोवाइड हो सके, लाइटिंग हो सके, फ्रेमवर्क हो चुके और क्या ऑप्टेन करे, क्या हेल्प करे कि वो ऑप्टेन करे हायर यील्ड। नाइफ्स आर द हैंड टूल, ये जो है ये क्या है, एक हैंड टूल है, अभी तक तो मोस्टली सारे हैंड टूल ही हैं। हैंड टूल है विच कंसिस्ट ऑफ द ब्लेड एंड टैग जॉइंट रिजिडली टू द हैंडल, द टिप ऑफ द ब्लेड इज आइदर हुक्ड और कर्व्ड इन ऑर्डर टू कट द स्मॉल ब्रांचेस और टिंग्स ऑफ द प्लांट और ट्री बाय पुलिंग एक्शन। द ब्लेड इज मेड अप बाय द हाई कार्बन स्टील, किसका बना हुआ है ब्लेड जो है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है, टूल स्टील और एलॉय स्टील एंड इज हार्डन टू द 45 to 55 RHC। द हैंडल इज मेड अप ऑफ द गुड क्वालिटी
वुड और द प्लास्टिक, जो हैंडल है या तो वो गुड क्वालिटी का बना हुआ है या तो लकड़ी का या प्लास्टिक का। फॉर ऑपरेशन द ब्लेड इज एंगेज्ड विद द थिन ब्रांचेस एंड पुल टूवर्ड्स द ऑपरेटर। द ब्लेड इज अ फॉर्क टू द शेप एंड कटिंग एज इज अ शार्प। ये किस मेनली वर्क क्या आता है? फॉर द कटिंग करने के, जितनी भी थिन ब्रांचेस है उनको कट करने के लिए। प्लांटेशन करना क्रॉप का यूज काम आता है, ठीक है। ये इसके नाइफ में कर्व शेप, ब्लेड लेंथ और ब्लेड विथ एंड ब्लेड की थिकनेस। कर्व्ड है, हुक्ड है, कर्व्ड है, हुक्ड है, ठीक है। ये देखो आप सबको आई थिंक पता होगा कि कौन कौन से क्या क्या हैं और कैसे कैसे यूज आ रहे हैं। ठीक है, लेक्स्ट एंड नेक्स्ट, लेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। ये क्या एक मशीन है जो रिमूव यूज की जाती है रिवॉल्विंग द ब्लेड, ठीक है। जितनी भी गार्डन में एक्स्ट्रा ग्रास की ग्रोथ हो जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, उसको रिमूव आउट करने के लिए ये मशीन जो है वो ली जाती है। ब्लेड दैट रोटेट अराउंड द वर्टिकल एक्सिस आर नोन एज वेयर्स, ठीक है। रोटेटिंग टाइप इलेक्ट्रिकल और मूवर आर स्विचेबल ए मैनी टाइप, मैंने स्विचेबल फॉर एनी टाइप और ए प्लेन ग्रास इज लैंड अवेलेबल। फोर फ्री व्हील मेक्स द मशीन टू मीव द मूव द फ्रीली ऑन द ग्रास एंड द एडजस्टमेंट ऑन द मशीन हेल्प यू टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द ग्रास एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये क्या मेन, मैंने वही जो आपको बताया, ये जो मशीन है ये क्या है, ये आपको अवेलेबल है फॉर फ्री व्हील मेक द मशीन टू मूव इट फ्रीली। आप इस मशीन को फ्रीली मूव कर सकते हो, ग्रास के ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हो इस मशीन को, आपकी ग्रास की लेंथ के ऊपर के हिसाब से आप उस ग्रास उस मशीन को एडजस्ट कर सकते हो या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसके ब्लेड्स को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बस मेन वर्क क्या है, ये जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ग्राउंड में एक्स्ट्रा ग्रास की उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं। ये रोटेटेड टाइप आई थिंक आप लोगों ने अपने कहीं स्कूल्स में या कहीं भी आपने जहाँ कोई बड़ा गार्डन होगा आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने तो अपने स्कूल में ये देखा था, स्कूल में क्या कॉलेजेस में भी देखा था। तो ये ब्लेड असेंबली दैट रोटेट अबाउट द हॉर्टिकल्चर एक्सिस आर नोन एज सिलेंडर और रियल मूवर। लॉन मूवर मैनुअल, व्हील टाइप लॉन मशीन इज अ वेरी फाइन हैंड होल्ड मशीन टू ऑपरेट विदाउट एनी फ्यूल। ये बहुत ईजी मशीन है, हैंड होल्ड है, आपको इसके लिए किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है। मशीन इक्विप्ड विद ए हाई कार्बन स्टील ब्लेड विद ए कट ए ग्रास, इसके अंदर हाई कार्बन स्टील ब्लेड होते हैं जो ग्रास को कट करती है, एंड इवन सरफेस एनहांस द लुक ऑफ योर गार्डन, जो आपके गार्डन के लुक को जो है वो एनहांस करती है, मतलब अच्छा करती है। हाई क्वालिटी बेयरिंग इन द मशीन टू हेल्प द रिमूव help to move this machine with almost easy that will keep you stress free as per your wish you may adjust the height of your own solid rubber tire fitted in the and help to easy working on the uneven surface and on the grass ठीक है। जो भी है ये एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, आपकी इजी भी है, इसको किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है, आपकी गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक दे सकती है, यही सब इसके वर्क है। चार टाइप के बॉर्डर में प्रेजेंट है, इंचेस विड्थ दे रखी है, अप्रोक्सीमेटली आपको वेट दे रखा है। ठीक है, गार्डनिंग टूल है, मशीनरी यूज फॉर द ट्रिमिंग, कटिंग करना, ट्रिम करना, इन सब के वर्क, इस सब का मेन काम है इसमें, ठीक है। स्टैंडर्ड एलोन, द पावर सोर्स ऑफ द स्टैंडर्ड एलोन ट्रिमर कैन बी यूज ह्यूमन पावर, गैसोलीन एंड इलेक्ट्रिसिटी। फर्दर डिवाइडेड इन टू द टू कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक तो सॉरी मैनुअल, ठीक है, लाइक जैसे बड़ी बड़ी सीजर्स होती हैं, ठीक है, वो मैनुअल में आ जाती हैं। दूसरा है मोटराइज्ड,
अलाउ टू वर्क इट डन आफ्टर एंड हिज लेस एफर्ट्स विद अ मैनुअल वर्क, जो एक लेस एफर्ट देता है मैनुअल वर्क से. दिस कटिंग कटिंग मशीनरी इज सिमिलर टू द फिंगर बेयर मूवर पावर्ड, ये देखो ये ट्रिमर है. पावर ट्रिमर आर जनरली डिजाइन विद सेफ्टी डिवाइसेस सच एज दे वर्क ओनली व्हेन बोथ द ऑपरेटर हैंड और ऑन द हैंडल्स. ठीक है, बहुत इजी होता है ये. मतलब आपको ये बोलूं कि एक ही आपके सेफ्टी डिवाइस की वजह से डिजाइन किया गया है. ठीक है, गैसोलाइन पावर ट्रिमर टेंड टू मूव द पावरफुल बट कैन हायर मोर देन डिफरेंट. मैनुअल में आपको बताया कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक बड़ी सीजर्स होती है, वैसा डिजाइन होता है. ठीक है, स्पेसिफिकेशन बता दिए ब्लेड की लेंथ वगैरह कितनी होती है, ये किस लिए ट्रिमिंग करने के लिए, एक डिजाइन शेप देने के लिए, एंड इट ऑल्सो यूज फॉर कटिंग ऑफ शर्ब एंड मूविंग द ग्रोथ इन गार्डन एंड लॉन. ठीक है, ये बहुत लाइट होता है, लेस पावरफुल होता है, एज वेल एज लॉस पॉल्यूटिंग है. ये स्टिल रिक्वायर इलेक्ट्रिकल कॉर्ड विद ए मेनी टाइप एंड इट इफ नॉट ऑक्यूपाइड विद ए रिचार्जेबल. ठीक है, टूल ऑफ द डेवलप्ड कंट्री. अब डेवलप्ड कंट्री के कुछ टूल हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे हो गए, हॉ हो गए, गार्डन कल्टिवेटर हो गए, ये सब चीजें हो गई. स्मॉल फ्रेम विद ए प्रीशियस ऑफ द लोअर एंड रेज द soil working element. Drive is provided to until with the help of the set. Set of the level pit can be dug up. The depth is a 45 to 60 cm and the diameter is this. ये देख सकते हैं ये किस लिए वर्क आता है, प्लांटिंग करने के लिए. इट ऑल्सो सुचुएबल फॉर यूज ए कार्ड एंड द फॉरेस्ट ड्यू टू दिस. गार्डन होस इज ए फ्लेक्सीबल है, फ्लेक्सीबल ट्यूब यूज टू द कैरी ऑफ वॉटर, वॉटर को कैरी करता है. देर आर द नंबर ऑफ कॉमन अटैचमेंट अवेलेबल फॉर द एंड ऑफ द हॉर्स, बहुत सारे कॉमन अटैचमेंट नंबर ऑफ अटैच कॉमन अटैचमेंट अवेलेबल है एट द एंड. स्प्रेयर्स एंड स्प्रिंकल्स का काम करता है स्प्रे करने का. ब्लैक कलर का होता है बट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द वेराइटीज ऑफ द अदर कलर. गार्डन आर द टिपिकली मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है और सॉफ्ट प्लास्टिक का बना हुआ होता है विद एन इंटरनल वेब ऑफ द इंटरनल वेब ऑफ द फाइबर्स. ये देखो ये है गार्डन हो, जिससे आपका इजीली आप वाटर दे सकते हो. इसको हैंड भी बोलते हैं इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में ये बोलते हैं. इसे टाइप ऑफ सीजर है फॉर यूज अ प्लांट, एक टाइप की सीजर है जो प्लांट के लिए यूज की जा सकती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग होती है एंड जितनी भी हार्ड ब्रांचेस होती हैं ट्रीज की एंड शर्ब्स होती हैं उनको उनको कटर करने के लिए समटाइम अप टू 2 सेंटीमीटर थिक. दे आर यूज इन द गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फ्लावर अरेंजिंग, नेचुरल कंजर्वेशन, वे आर द फाइन स्किल हैबिटेट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख के समझ सकते हो जो मैंने बताया है. गार्डनिंग क्या एक हाउस होल्ड गार्डन एंड द स्मॉल कॉमर्शियल गार्डनिंग जो किया जाते हैं कैन बी प्रोवाइड द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेरिलेज. फॉर एग्जाम्पल रोटेटरी ट्रेलर डोज विद द पोलिंग एंड द हॉरिंग प्रिपेयर एक स्मूथ एंड लूज शीटबेड. ठीक है, टाइप्स क्या है गार्डन कल्टिवेटर के, ये कुछ टाइप्स हैं. ये टॉपिक तो आई थिंक सबसे बेस्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें इतना दिक्कत ही नहीं है कुछ भी समझने करने को लेके, बहुत इजी इजी चीजें होती हैं. ठीक है, जैसे अब आपका स्टार्ट हो रहा है टाइप ऑफ गार्डन कल्टीवेटर, तो इसमें पहले रोटो ट्रेलर है. द स्मॉल रोटो ट्रेलर है टिपिकली, ठीक है, कितना 1.5 to 3.8, 3.5 पेट्रोल इंजन रोटेटिंग द टेंस एंड डू नॉट हैव अ पावर्ड व्हील थ्रू दे हैव अ स्मॉल ट्रांसपोर्ट. रोटेटिंग इज अ सच एज मच फास्टर देन द मैनुअल टेलिंग बट डिफरेंट टू हैंडल एंड एग्जीक्यूट एग्जॉस्टिंग वर्क. ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है इसको हैंडल करने में, एग्जॉस्टिंग वर्क है. ठीक है, और ये पावर डू नॉट हैव अ पावर्ड व्हील, इसमें कोई पावर्ड व्हील नहीं होता, इसको आपको खुद अपने हाथ से ही काम करवाना पड़ता है. ठीक है, रोटोवेटर अनलाइक टू द रोटो टेलर द हाफ इज ऑक्यूपाइड विद ए गियर बॉक्स एंड ड्राइव इन फॉरवर्ड.
और हेल्ड बैक बाय इट्स व्हील। इसमें व्हील प्रेजेंट होते हैं जो गियर बॉक्स होते हैं अनेबल टू फॉरवर्ड स्पीड टू एडजस्ट व्हील द रोटेशनल स्पीड ऑन द टिन रिमेंस कांस्टेंट व्हाइल अनेबल द ऑपरेटर इज इजीली रेगुलेट द एक्सटेंट ऑफ व्हिच सॉइल इज एंगेज्ड। द रोटोवेटर आर द जनरली मोर हैवी ड्यूटी कम इन हाई पावर, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी में होता है, उनकी बहुत ज्यादा पावर होती है, मतलब 4 to 18 हॉर्स पावर एंड 3 to 13 इज ए किलो वाट विद आइदर पेट्रोल और द डीजल डिजाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो मिनी टिलर आर द न्यू टाइप ऑफ द स्मॉल एग्रीकल्चर, ये बहुत नया टाइप का है, इसको हम कल्टीवेटर भी कर सकते हैं, ये लोग यूज करते हैं, एज ए फार्मर भी यूज करते हैं या होम ओनर भी यूज करते हैं। दीज आर ओनली इज नोन एज अ पावर इन द गार्डन। ठीक है, कॉम्पैक्ट पावरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉम्पैक्ट पावरफुल एंड ऑलमोस्ट इज ऑल्सो नोन एज ए पावर ट्रिलर और द गार्डन। कॉम्पैक्ट पावरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनएक्सपेंसिव, दीज आर द एग्रीकल्चर रोटरी एंड प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिवली टू द फोर व्हील ट्रैक्टर एंड ए स्मॉल पावर फार्मर्स फील्ड इन डेवलपिंग कंट्री आर मोर इकोनॉमिकल देन द फोर व्हील ट्रैक्टर। ये देख सकते हो आप। देन टूल इज अ हॉ इज अ एशियंट एंड वर्सेटाइल एग्रीकल्चर टूल, ये एशियंट और वर्सेटाइल एग्रीकल्चर टूल है, यूज होता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल के लिए। कॉमन गोल इंक्लूड द वीट कंट्रोल, जो भी वीट कंट्रोल है उसका मेन काम कहते हैं। द सर्फेस ऑफ द सॉइल अराउंड द प्लांट, फिलिंग द सॉइल अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट, क्रिएटिंग नैरो फ्यू एंड द शैरो ट्रेंच ऑफ द प्लांटिंग सीड एंड बल्ब टू चॉप वीड्स रूट्स एंड क्रॉप रेसिड्यूज एंड द इवन टू डिग और मोर सॉइल सच एज व्हेन द हार्वेस्टिंग रूट क्रॉप लाइक ए पोटैटो। दिस इज पुश्ड एंड पुल थ्रू द सॉइल टू to cut the weed just under the surface. Its tool head is a loop of the flat, take a trap mill. It is not as a sufficient as well as chopping or a pulling or the pushing saw. That blade around to form a strip up like rectangular attached to the handle. Weeds are the uncut just below than the soil surface at the blade of the pushed and pulled through the area. The back and the fourth motion is heavily effectively with cutting weeds in the loose and breakable soil. ठीक है, ये देखो आप। It need to be done with a care and accuracy, बहुत care से। Fertilizer are the generally beneficial, however we however providing your lawn with a correct amount of fertilizer. जब तक वो correct amount में fertilizer मिल रहे हैं तब तक वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बट अगर वो अमाउंट एक्स्ट्रा कम ज्यादा हो जाता है तो या वो हार्मफुल भी होते हैं फर्टिलाइजर, तो वो एडजस्टमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर स्प्रेडर, दो टाइप के फर्टिलाइजर स्प्रेडर है, एक तो 9 क्यूबिक फिट का कैपेसिटी ऊपर जैसे लार्ज ग्रेन्यूलर भी बोलते हैं विद विल वेट इज अराउंड द 400 lbs, स्मॉल ग्रेन्यूलर लाइक एंड विल बी द वेट अराउंड द 800 lbs. Mole model 800 spreader spreads many type of material because of its internal drag chain. It easily spread all the granule material. ठीक है, और ये दूसरा fertilizer spreader जिसका आपको diagram मैंने दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आई नो ये हॉर्टिकल्चर वाला टॉपिक इतना ईजी और इतना नॉर्मल चीजें थी जो आप अपनी डेली लाइफ से भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो, जो एज अ फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए नहीं, बट जिसके घर में किसी को भी गार्डनिंग का शौक होता है उसके घर में भी ये छोटी मोटी चीजें मिल जाती हैं, तो आप अपनी उन चीजों से भी आप कनेक्ट करके आप इजीली ये सब कवर कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो भाई पढ़ना चीजों को अपनी, अगर कोई ऐसी चीज है और आप ये दो चीजें पे जा सकते हो और एक ये बुक है जिससे आप रेफर कर सकते हो, और मेरे हिसाब से तो एक चीज है कि अगर जब तक आप कोई भी टॉपिक या कोई भी लेसन कोई भी टॉपिक अगर वो ऐसा है जो आपकी प्रेजेंट लाइफ से इंटरकनेक्ट करके आपको समझ में आ रहा है तो बेस्ट वे है कि आप उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करें देन उसको समझें, क्योंकि उससे उसका आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो कभी भी आप अपनी लाइफ की चीजें कभी कोई नहीं भूलता, ठीक है, कोई भी एक सिंगल पर्सन भी नहीं है जो अपनी एक भी चीज जो है वो कभी भी अपनी लाइफ में उसकी हुई हो और वो उसको भूल जाता हूँ,
तो चीजें उससे हमेशा आपके माइंड में रहती हैं, आपको चीजें हमेशा याद रहती हैं, और आप कभी भी किसी भी को अपनी लाइफ से लेके किसी भी टॉपिक को कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी कुछ भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, ये आपका एक बेस्ट वे है चीजों को याद रखना। जैसे हॉर्टिकल्चर है, कल मैं आपको एक एग्रीकल्चर भी करवाऊंगी, वो भी बहुत ईजी पॉइंट रहेगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सब कुछ समझ में आता हो, कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट है प्लीज गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें करें, मेरे को कोई इशू नहीं है। और मेरा आप लोगों से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट एक ही है बेटा, प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं भी अपनी पूरी एफर्ट्स लगाती हूँ हर एक वीडियो को बनाने के लिए, पीपीटी रेडी करना एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके लिए मेरे को भी पूरा मेहनत लगती है। तो मेरी आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते अप्रॉक्सीमेटली अब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आप लोग मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं, बट मैं पीछे नहीं हटूंगी। प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और जितना भी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर आपका कोई भी सिंगल डाउट है तो प्लीज ड्रॉप करें मैसेज, कोई भी कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करें, मैं वहां से रीड करके देन आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। प्लीज स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोज को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस लेक्चर एंड दिस क्लास। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।